Assalamu alaikum, my name is Muhammad Alam. I am lecturer of botany, SMB Qaid-e Azam Higher Secondary School, Darsanu Channo. Today, we start the lecture of botany. The main topic of the botany is mesophyte, telophyte, xerophyte, adaptation of land plants. ये जो लेक्चर पहले भी प्रीवियस में हमने एक्सप्लेन किया था, बेसिकली ये जो तीन टाइप्स प्लांट्स के है, ये ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स से रिलेटिव रखते हैं, जिसमें ये टॉपिक रह गई थी उसको दोबारा इस कंटिन्यू करते हैं. और इनके साथ ये जो टॉपिक है ये भी इनसे रिलेटिव है, एडाप्टेशन ऑफ लैंड प्लांट्स. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट नंबर वन, मेसोफाइट प्लांट्स. मेसोफाइट प्लांट्स से पहले एक और टाइप था जिसे जिसका नाम था हाइड्रोफाइट. हाइड्रोफाइट मीन्स से वो प्लांट्स से जो वाटर के अंदर ग्रोइंग करते हैं और उनके लिए वाटर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर के अंदर होते हैं और उनके जो लीफ होते हैं वो भी बड़े होते हैं और उसके लीफ के ऊपर बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं जिसके थ्रू वो ट्रांसपायरेशन करते हैं. उस स्टोमेटा के ऊपर जो एक जो वैक्सी मटेरियल होता है वो भी कम होता है, इस वजह से हाइड्रोफाइट के अंदर जो ट्रांसपायरेशन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है. और इन हाइड्रोफाइट प्लांट्स के लिए जो होता है वाटर बहुत ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल वाटर लिली. ठीक है, एंड ये इसकी जो है सेकंड टाइप है ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट की, मेसोफाइट प्लांट. ठीक है, मेसोफाइट प्लांट से ये मकसद है कि वो प्लांट्स जो मॉडरेट पॉइंट ऑफ व्यू अपनी लाइफ को एडाप्ट करें. ठीक है, मॉडरेट का मतलब क्या है कि ना ज़्यादा पानी उनको चाहिए ना कम पानी चाहिए. अगर ज़्यादा पानी उनको की ज़रूरत होती है तो वो एनवायरनमेंट से लेते हैं और कम पानी की ज़रूरत होती है तो वो अपने जो है स्टोमेटा के थ्रू, रूट्स के थ्रू जो है वो पानी हासिल करते हैं. अगर ज़्यादा पानी इसके बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है तो वो एनवायरनमेंट में एक्सक्रिएट करते हैं. ठीक है, तो यानी कि मेसोफाइट प्लांट्स वो प्लांट्स है जो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर करें. ठीक है, इसकी जो एडाप्टेशन होती है वो बेसिकली मेसोफाइट प्लांट में, जब मेसोफाइट प्लांट में सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर होता है. ठीक है, इन मेसोफाइट प्लांट सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर होता है तो उस दौरान ये प्लांट्स जो है अपने लीव्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन करते हैं. ठीक है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो ट्रांसफर हो जाता है इनटू द एनवायरनमेंट के अंदर. ठीक है, अगर इन रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन में होते हैं तो वाटर जब इसमें सप्लाई होता है तो वो अपने जो स्टोमेटा क्या करते हैं, वो क्लोजिंग स्टोमेटा करते हैं, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिस्टम ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, इसमें ख़ास तौर पे जो टाइप होते हैं वो मैंगो ट्रीज होते हैं और ब्रासिका प्लांट. ये एग्जांपल है मेसोफाइट प्लांट के. ठीक है, एंड सेकंड जो टाइप है वो सेकंड टाइप है हेलोफाइट्स. ठीक है, हेलोफाइट्स, दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन सी वाटर. ये जो मोस्टली पाए जाते हैं प्लांट मोस्टली जो ग्रोइंग करते हैं वो खास तौर पर समंदर वाली एरिया के
हिस्सों में जो है ये ग्रो करते हैं। नाउ अ फोर्थ टाइप ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स इज ज़ीरोफाइट प्लांट्स। ठीक है, ज़ीरोफाइट, व्हाट इज ज़ीरोफाइट प्लांट्स? दीज टाइप ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिजर्ट, स्टीप हिल्स एंड ड्राई प्लेसेस। ये ऐसे प्लांट्स है कि ये सिर्फ उस एरिया में ग्रोइंग करती है, ग्रोथ करते हैं जहाँ पानी अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, ये तकरीबन जो है डिज़र्ट जो होते हैं, डिज़र्ट में ये ग्रो करते हैं। स्टीप हिल्स जो वो बड़ी बड़ी चट्टानें होते हैं उनके टॉप पोर्शन पे ये ग्रोथ करते हैं, और जो ड्राई प्लेसेस होती हैं, हार्ड प्लेसेस होते हैं, रॉक्स होते हैं, यहाँ कोई सॉइल वगैरह नहीं होती, वहाँ बहुत ग्रोइंग तेज़ी से करते हैं। इस वजह से हम इसको कहते हैं ज़ीरोफाइट प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, ज़ीरोफाइट प्लांट्स से में एक कैपेसिटी होती है, वो ये कैपेसिटी होती है कि डिज़र्ट के अंदर, डिज़र्ट में यहाँ जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उन में पानी अवेलेबल नहीं होता, बहुत पानी की किल्लत होती है। इस वजह से इसमें एक ये खासियत है कि ये अपने बॉडी में पानी स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अपने बॉडी में पानी स्टोर करके रखते हैं, इस वजह से इसे कहते हैं कि ज़ीरोफाइट हैव अ कैपेसिटी टू स्टोर द वाटर। ठीक है, एडाप्टेशन क्या है? एडाप्टेशन से मुराद है कि प्लांट ये किसी तरीके से अपने आप को एडाप्ट कर रहा है, यानी सर्वाइव कर रहा है, ज़िंदा रख रहा है, और उसमें कैसे ग्रोथ होती है, क्योंकि ग्रोथ तब होगी जब उनके लिए हर चीज़ फेवरेबल होगी, फेवरेबल कंडीशन में होगी, होगा उसके लिए पानी हो गए, पानी प्रेजेंट होना चाहिए, मिनरल्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस वजह से उस हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी को एडाप्टेशन। ये एडाप्टेशन के लिए क्या करते हैं कि टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये अपने बॉडी में से जो वाटर का मकदार है उनको बाहर इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र करने से रोकते हैं, यानी वाटर ट्रांसफ़र नहीं करने देते, क्योंकि ये ऐसे प्लांट है इसके अंदर लीव्स नहीं होते। ठीक है, लीव्स अगर होते हैं वो भी जस्ट लाइक जैसे कांटे होते हैं, कांटे जैसे लीव्स होते हैं, नोकीले लीव्स होते हैं, बड़े लीव्स नहीं होते हैं। उस लिए कि उसके अंदर स्टोमेटा बिल्कुल भी नहीं होते, या स्टोमेटा होते हैं तो वो यानी कि कम मकदार के अंदर होते हैं, जिस वजह से ट्रांसपायरेशन वाला अमल इसमें तेज़ी से नहीं होता। इस नतीजे में ये क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं और ट्रांसपायरेशन होने नहीं देते। ठीक है, और दूसरी इसमें ये पॉइंट है कि इसके अंदर इस प्लांट के बॉडी में जो है वो लीव्स जो होते हैं वो लीव्स स्मॉल होते हैं, बिल्कुल स्मॉल्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि जैसे स्पैक्यूल होते हैं, नोकदार होते हैं, और उसकी जो विड्थ होती है वो भी सिलेंड्रिकल टाइप होती है। ठीक है, तो इसलिए वो स्मॉल होते हैं और थिक होते हैं एंड लेदरी होते हैं। ठीक है, थिक एंड लेदरी, लेदरी का मतलब इस वजह से ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है कि पुराने ज़माने में जो यानी सफ़र करते थे आदमी, एक जगह से दूसरे जगह तक जाता था, तो वो अपने साथ एक चमड़े का जो है पानी का है कि मस्का लेकर अपने साथ ट्रेवल करता था। उसमें क्या होता है कि वो एक चमड़े का बना हुआ होता है लेदर, जिसमें पानी स्टोर हो जाता है और उस चमड़े से पानी ट्रांसफ़र नहीं होता, ट्रांसपायर नहीं होता, यानी अंदर से बाहर नहीं होता, लेकिन काफ़ी टाइम के लिए उस थैली के अंदर क्या होता है, स्टोर हुआ होता है। इस वजह से ये वर्ड जो हमने यूज़ किया है कि ये क्या है, लेदरी। ठीक है, लीव्स स्मॉल होते हैं, थिक होते हैं एंड लेदरी होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि जैसे हाइड्रोफाइट के अंदर,
जो पानी में अंदर पानी के अंदर रहते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पानी घुलबल होता है, उसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो इस टाइप के होते हैं स्टोमेटा, ठीक है। और उन स्टोमेटा और काफ़ी मकदार में, काफ़ी तादाद में होते हैं लीव्स के सरफेस के ऊपर। तो इसमें जो ट्रांसपरेशन होती है वाटर की, वो बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है। इनसफिशेंट वाटर होता है, वो ट्रांसफ़र होता है तेज़ी से। लेकिन जो ज़ीरोफाइट के अंदर स्टोमेटा होते हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स होते हैं और स्मॉल होते हैं, बिल्कुल स्मॉल। इस वजह से हम इसको थिक कहते हैं। थिक इस वजह से कहते हैं, इसके आउटसाइड में एक सेल वाल होती है, सेल वाल बहुत थिक होती है, जो पानी को ट्रांसपरेशन होने से रोकती है, ठीक है। ट्रांसपरेशन होने से पानी को क्या करती है, रोकती है, ठीक है। जैसे ये सिस्टम जो होता है प्लांट में ज़्यादा होता है, वनस्पति एनिमल के अंदर ये जो ट्रांसपरेशन वाला एक्सक्रीशन वाला सिस्टम होता है वो ज़्यादा होता है प्लांट्स में। इसलिए होता है कि इनके अंदर क्या है, सेल वाल है, इनके अंदर क्या है, सेल वाल। सेल वाल की वजह से वो जो डेड सेल की बनी हुई होती है उसमें क्या होता है, ट्रांसपरेशन बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसमें इसके लीव में अगर वाटर का वॉल्यूम, लीव के अंदर अगर वाटर का वॉल्यूम कम होगा तो ट्रांसपरेशन क्या होगी, लो होगी, लो ट्रांसपरेशन होगी, ठीक है। पानी की ट्रांसपरेशन क्या होगी, लो होगी। क्यों, क्योंकि इसके लीव्स जो हैं स्मॉल भी हैं और थिक भी है, ठीक है। और इसके जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा इसमें बहुत कम होते हैं, न होने के बराबर स्टोमेटा होते हैं। इस वजह से वो स्टोमेटा काफ़ी तौर पे, आम तौर पे लोअर पोर्शन ऑफ लीव्स में होते हैं, जो उसके लीव्स जो होते हैं उनके लोअर पोर्शन में ये स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। और काफ़ी कम मकदार में स्टोमेटा होते हैं, ये इसकी खासियत है। इस वजह से इसमें क्या है, इसमें कैपेसिटी होती है पानी स्टोर करने की, और पानी ट्रांसफ़र करने से ये स्टोमेटा क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। इसमें केट का एक एग्जांपल है, ये मोस्टली डिजर्ट प्लांट है, बयाबानों में होता है जहाँ पानी अवेलेबल नहीं होता। ये क्या करता है, जब ड्राई कंडीशन की मौसम ज़्यादा हो जाती है, यानी ज़मीन बहुत खुश्क हो जाती है, पानी अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, अपने इन इन कैटका के जो बॉडी में जो लीव्स होते हैं वो लीव गिरा देता है, यानी शेड कर देता है, यानी ख़त्म कर लेता है। वो उसका रीज़न क्या है कि इस वजह से क्या होगा, ट्रांसपरेशन बिल्कुल नहीं होगा, और जो वो उसके बॉडी में जो पानी होगा वो जमा होगा, स्टोर होगा, जो वो अपने लिए सेल्स के लिए, टिश्यूज़ के लिए यूज़ कर सकता है, ठीक है। और इस वजह से इन लीव्स के ख़त्म होने की वजह से क्या होता है कि ट्रांसपरेशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। वाटर ट्रांसपरेशन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। और इन प्लांट को स्क्यूलेंट्स प्लांट्स कहते हैं, इन प्लांट को क्या कहते हैं, स्क्यूलेंट प्लांट्स। स्क्यूलेंट्स प्लांट्स वो होते हैं जो ड्राई प्लेसेस पे होते हैं, ठीक है। इसमें जो रूट्स होते हैं और लीव्स वो क्या होते हैं, जूसी होते हैं, यानी इसके रूट्स में और लीव्स के अंदर जो होता है रस भरी हुई होती है और बहुत मकदार में पानी भरी होती है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सिक्यूलेंट प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन में सर्वाइवल कर पाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इनसे रिलेटिव है, कि एडाप्टेशन ऑफ लैंड प्लांट्स। लैंड प्लांट्स में जो वो ख़ास तौर पे खुश्की पे और डिज़र्ट पे होते हैं, उन प्लांट के एडाप्टेशन कैसे होते हैं, ये अपने आप को जो रिसाइकलिंग करते हैं, एक प्लांट से दूसरा प्लांट होता है,
सीड स्पोर से सीड होता है और सीड से प्लांट्स ग्रोथ करता है, और वो कैसे करते हैं, ठीक है, वो इनकी यानी के लाइफ साइकिल कैसे होती हैं, लाइफ साइकिल ऑफ लैंड प्लांट, ठीक है। तो उनमें चार पॉइंट्स है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमें यही किताब के अंदर भी लिखी हुई है तकरीबन, कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि एडाप्टेशन के लिए ये क्या करते हैं कि स्पोर्स इसके जो बनते हैं और सीड जो बनते हैं वो जब मैच्योर हो जाते हैं उनके आउटसाइड में एक लेयर होता है, उसका सीड जो होता है कवर्ड होता है, वो हार्ड कोट से कवर्ड होता है। क्या? हार्ड कोट से कवर होता है। ये हार्ड कोट उस सीड का प्रोटेक्शन करता है, उस सीड का क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो इस फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी लैंड प्लांट्स है उनका जो स्पोर्ट्स आर सीड्स होता है उनके सराउंडिंग में एक हार्ड शेल होता है, एक कवर बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं हार्ड कोट कहते हैं। दूसरी पॉइंट ये है, ये डेवलपमेंट ऑफ टैप रूट सिस्टम, ये प्लांट्स से जो है अपने रूट्स के अंदर एक डेवलप करते हैं टैप रूट्स, जैसे ये एग्जांपल है क्या, ये टैप रूट्स की, ठीक है, ये एक टाइप के हैं, ये इसको हम कैप कहते हैं, इस टाइप को हम क्या कहते हैं, टैप रूट्स कहते हैं, ठीक है। वो टैप रूट्स डेवलप करते हैं मोस्टली लैंड प्लांट्स, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट्स है, स्टोर ऑफ वाटर कूलिंग प्रोसेस, वो क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर जो वाटर स्टोर करते हैं, ये जो बॉडी के अंदर जो वाटर जब स्टोर होता है उन पानी की वजह से ये कूलिंग वाला प्रोसेस जो होता है वो प्लांट के अंदर होता है, और वो प्लांट क्या रहता है, ठंडा रहता है, कूल रहता है, ठीक है। और रिडक्शन नंबर ऑफ स्टोमेटा लीव्स, उसमें जो तकरीबन जो स्टोमेटा के नंबर है वो रिडक्शन होते हैं, स्टोमेटा कम होते हैं, उसकी वजह से ये सही तरीके से लैंड प्लांट्स क्या करते हैं, एडाप्टेशन करते हैं। सो गाइज, दिस इज़ अ लेक्चर अबाउट द ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। I repeat this lecture, osmoregulation, there are two types of plant, number one hydrophyte, number two xerophyte, number three thallophyte, number four और mesophyte, ये type है। इसमें हर एक प्लांट की जो एडाप्टेशन है वो मुख्तलफ है, हर एक प्लांट की जो स्ट्रक्चर है वो मुख्तलफ है, ठीक है। और उनके साथ इसमें जो भी हाइड्रोफाइट के अलावा और थैलोफाइट के अलावा जो जस्ट लाइक मेसोफाइट है और ज़ीरोफाइट है, इसमें जो एडाप्टेशन होते हैं वो प्लांट कैसे सर्वाइवल करते हैं, उसमें रिसाइकलिंग कैसे होती है, और वो कैसे ग्रो अप करते हैं, वो ये चार पॉइंट है जिसकी वजह से वो अपने आप को एडाप्ट करते हैं लैंड के ऊपर। ओके, थैंक्स गाइज़।